स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। संविधान के चौथे स्तंभ पर फिर हुआ हमला। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली आगरा की थाना ताजगंज पुलिस ने फिर दिया कारनामे को अंजाम। चौकी प्रभारी ने अवैध लेन देन के वीडियो बनाने पर मैगजीन के संपादक को डंडे से पीटने के लिए मंगवाया था डंडा। मैगजीन के संपादक को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के छत्र छाया में अंदाजा लगाया गया था कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पत्रकारों को थोड़ा सा सम्मान तो देगी, लेकिन 4 साल का समय बीतने के बाद भी पुलिस बेलगाम ही है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा हाथरस में रेप पीड़िता के घर मीडिया को जाने से रोकना हो या समय समय पर पत्रकारों के साथ में की गई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से ही सुर्खियां बटोरती रहती है। ऐसा ही एक मामला मोहब्बत की नगरी ताज नगरी में सामने आया। आपको बता दें कि थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत एकता चौकी पर खबर भारतीय मैगजीन संपादक मोहम्मद रियाज को पैसे का लेन देन कर पुलिस के द्वारा जुआरियों व कथित अवैध शराब कारोबारियों को छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। मैगजीन के संपादक मोहम्मद रियाज ने एकता चौकी पर जाकर जब पुलिस कर्मियों के द्वारा कुछ अज्ञात लोगों से पैसे के लेन देन करने की बात की तो वीडियो में स्ट्रिंग के द्वारा रिकॉर्ड किया तो एकता चौकी प्रभारी ने पत्रकार को बुलाकर उसके साथ अभद्रता की। साथ ही पत्रकार के द्वारा अपने आप को पत्रकार बताने पर भी पुलिस कर्मियों से डंडा लाने की बात कही। साथ ही भद्दी भद्दी गालियां भी दी जिसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। आगरा से जीशान अहमद की रिपोर्ट। हमारे साथी हैं रियाज और जिनके मैगजीन आती है खबर भारती के नाम से। कल परसों किसी कारणवश उन्हें जाना होगा, एकता चौकी गए थे, कोई सूचना मिली थी कि वहाँ पर कोई सौदेबाजी हो रही है किसी जुआरियों को लेकर। वहाँ पर अपनी स्टिंग वगैरह कुछ कर रहे थे पत्रकार साथी के साथ में, जो हमारे साथी हैं रियाज भाई के साथ में जो बदतमीजी हुई है उसी को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी और SSP साहब के लिए ज्ञापन दिया। और हमारा संगठन जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन इस संज्ञान में इस मामला आया जैसे ही हमने इसको लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन बाध्य होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद हुसैन है और मैं जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन महामंत्री हूँ। देखिए, बार बार देखने में ये आता है कि पत्रकारों के साथ दिन ब दिन बदसलूकी बढ़ती जा रही है। कई पत्रकारों की बनाई हुई संस्थाएं हैं, हिमायत में पत्रकारों की खड़ी हैं, लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार पर पत्रकारों के प्रति कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आगरा शहर में भी कई बार जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकारों की हिमायत में ज्ञापन भी दिए हैं और अधिकारीगण को अवगत भी कराया है, लेकिन हम बार बार ये देख रहे हैं कि पत्रकारों के प्रति ना तो प्रशासन का रवैया ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। नाम मोहम्मद रियाज है जी। मैं खबर भारती संपादक हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये थी कि मेरे को एक सूत्रों के हिसाब से फोन आया था रात को लगभग 1 बजे कि कुछ जुआरी पकड़े गए हैं जिन्हें पुलिस द्वारा पैसे लेकर छोड़ा जा रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ वास्तविक में सौदा चल रहा था जिसका कि वीडियो स्टिंग मैंने किया है। वीडियो स्टिंग मेरा चल रहा था उसी दौरान चौकी इंचार्ज को संदेह हुआ, उन्होंने मेरे को बुलाया। पहले तो मैंने कहा मैं इस तरीके से मैंने पूछा भी, वीडियो में सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला कि कैसे क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो मैंने कहा भाई मेरा आ रहा है। मैंने अपनी मतलब पहचान गुप्त रखी, मैंने नहीं बताया कि मैं मीडिया से हूँ, लेकिन जब उन्होंने अभद्रता करना शुरू किया तब मैंने बताया कि मैं मीडिया से हूँ। तो उन्होंने मुझसे पहले आई कार्ड मांगा, तो मैंने कहा मेरे पास आई कार्ड नहीं है, मैं आपको अपना मैगजीन देता हूँ जिसमें मेरा पूरा पहचान है। लेकिन मैगजीन देखा ही नहीं उन्होंने, बल्कि ये कह दिया कि फर्जी है। सर, आपको ज्ञापन दिया गया है सर, पत्रकारों को लेकर आए दिन अभद्रता होती रहती है सर, इसके अंदर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आज ये जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो है जिलाधिकारी महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें खबर भारती पत्रिका के संपादक द्वारा एकता जो पुलिस चौकी उसके चौकी इंचार्ज के द्वारा अभद्रता की गई है। तो ये ज्ञापन के माध्यम से तो पहले एसएसपी साहब से बात करके चौकी इंचार्ज, इसके पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं पत्रकारों के बारे में, इसके बारे में कुछ कहना चाहूँ? नहीं, इस बारे में अगर पहले भी शिकायतें हैं तो उसको SPCT या SSP के संज्ञान में लाया जाएगा। सर, हर बार थाना ताजगंज SHO के साथ ही सर ऐसे क्यों होता है सर? वही SHO तो अभी नए आए हैं, पहले भी और भी थे सर, वही पत्रकार बदतमीजी किया करते थे सर, बता दिए।
नहीं ऐसे ऐसे अगर कोई बात अगर संज्ञान में आती पत्रकारों के साथ में या जो है इससे जुड़े हैं तो उनसे बात तक करके कार्रवाई कराई जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।